आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही सामने बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर मौसम विभाग ने मानसून को लेकर दिया है बड़ा अपडेट, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर सस्ता घर खरीदने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही सामने बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें निकल कर आ रही बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो बंद होने वाला है विंडोज 10। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कब तक कर पाएंगे यूज। अगर आप भी विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। दिग्गज टेक्नोलॉजी फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान किया है कि कंपनी 2025 में विंडोज 10 के लिए सपोर्ट बंद कर देगी। वही विंडोज 10 को विंडोज का अंतिम वर्जन माना जाता था। वही कंपनी की माने तो 10 अक्टूबर 2025 को विंडोज 10 होम प्रो और प्रो एजुकेशन के सपोर्ट को यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अक्टूबर 2025 के बाद यूजर्स को इससे जुड़ा कोई भी यहाँ पर अपडेट या फिर सिक्योरिटी फीस या फिक्स नहीं मिलेगी। मतलब ये बात यहाँ पर कही गई है। जहाँ तक विंडोज 10 के बंद होने का सवाल है तो कंपनी के मुताबिक 2025 तक इसे इस्तेमाल करने पर कोई परेशानी नहीं है, यानी अभी 4 साल का लंबा वक्त बाकी है। यह भी हो सकता है कि यूजर 2025 के बाद भी आसानी से इस्तेमाल करते रहे। भाई माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 से अपग्रेड होने के लिए भी यूजर्स को यहाँ पर काफी समय दिया था। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो हरियाणा में 21 जून तक बढ़ा है लॉकडाउन। रात 8 बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट और बार। पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं। वहीं हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में कमी आई, लेकिन प्रदेश की मनोहरलाल खट्टर सरकार ने यहाँ पर एकदम अभी लॉकडाउन को खत्म करने का निर्णय नहीं लिया है। यानी लॉकडाउन को अभी यहाँ पर एकदम खत्म करने के मूड में सरकार नहीं है। वही हरियाणा सरकार ने लोगों को सख्ती के साथ कुछ छूट यहाँ पर देने के साथ साथ लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। वह हरियाणा में चल रहे कोविड लॉकडाउन को सरकार ने 21 जून तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में राज्य ने यहाँ पर राज्य में लागू नई गाइडलाइन के तहत दुकानों को खोलने का जो समय था वो 8 दिन का, वो फॉर्मूला यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। अब यहाँ सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुली रह सकती है हरियाणा के अंदर। वही सरकार की ओर से ये फैसला यहाँ पर दिया गया है। आज से यहाँ पर सारी दुकानें 8 दिन के साथ नहीं खुलेगी, यानी 8 दिन का फॉर्मूला खत्म कर दिया गया है। दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेगी। राज्य में नाइट कर्फ्यू फिलहाल जारी रहेगा। इसके अलावा गली मोहल्लों की दुकानें और फल सब्जी और किराना व दवा की दुकानें पहले की तरह खुली रहेगी। इसके अलावा किसी भी सामूहिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए 50 लोगों की संख्या निर्धारित की गई। इससे अधिक संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य पर होगी। इसके अलावा निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के साथ निजी कार्यालय को खोलने का आदेश दिए गए हैं। वहीं सभी कार्यालयों में कोविड 19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा होटल रेस्टोरेंट और फूड प्रतिष्ठान संचालकों को यहाँ पर रात 10 बजे तक होम डिलीवरी करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा धार्मिक स्थल में 21 से अधिक लोगों की संख्या नहीं रखते, मतलब 21 लोगों की इकट्ठा होने की यहाँ पर अनुमति सरकार की ओर से दी गई है। वही सारे समारोह व अंतिम संस्कार में 21 लोग सम्मिलित हो सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो सस्ता घर खरीदने का मौका। 15 जून को पीएनबी बेच रहा है 12,865 मकान और एग्रीकल्चर लैंड। अगर आप भी बाजार से कम दाम पर घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है। पंजाब नेशनल बैंक प्रॉपर्टी की नीलामी करने जा रहा है। आपको बता दें कि ये ऑक्शन 15 जून यानी कल होगा। इसमें निवेशकों को रेजिडेंशियल और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी सस्ते में यहाँ पर मिल पाएगी। वही बैंक उन प्रॉपर्टी का नीलामी आप कर रहा है जो डिफॉल्ट की लिस्ट में आ चुकी है। आपको बता दें कि इंडियन बैंक एसोसिएशन ऑन यहाँ पर प्रॉपर्टीज इंफॉर्मेशन की ओर से यहाँ पर इस बारे में जानकारी दी गई है। IBPI द्वारा यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। वही पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट करके अपने ग्राहकों को बताया है कि पीएनबी में ट्वीट में लिखा है कि प्रॉपर्टी में निवेश करना अगर आप चाह रहे हैं तो आप 15 को PTV 2021 को यहाँ पर मेगा ई ऑप्शन में आप हिस्सा ले सकते हैं। और प्रॉपर्टी की जो नीलामी है उसमें रजिस्ट्रेशन और कमर्शियल प्रॉपर्टी सस्ते में खरीद सकते हैं। पीएनबी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि इस समय 12,865 रेजिडेंशियल जो मतलब यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का नीलामी ये बैंक कर रहा है। इसके अलावा 2,808 कमर्शियल प्रॉपर्टी और 1,403 इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और 101 एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, इन सभी प्रॉपर्टी की नीलामी बैंक की ओर से की जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश सरकार 1,00,000 युवाओं को देगी सरकारी नौकरी। दिसंबर तक होगी भर्ती प्रक्रिया पूरी। पढ़ाई पूरी कर सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को यूपी की योगी सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। राज्य सरकार युवाओं के लिए 1,00,000 सरकारी नौकरियों की बड़ी खेप यहाँ पर ला रही है। राज्य सरकार ने इस साल युवाओं को रोजगार का लक्ष्य यहाँ पर तय किया है।
वही योगी सरकार दिसंबर तक 1,00,000 सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है। वही कोरोना की दूसरी लहर थमने के साथ ही योगी सरकार ने मिशन रोजगार को यहां पर रफ्तार दे दी है। वह प्रदेश भर में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के साथ साथ राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों को यहां पर भरने की प्रक्रिया को पूरी करने की और कदम यहां पर बढ़ा दिया है। वही पिछले 4 सालों में अलग अलग विभागों में लगभग 4,00,000 सरकारी नौकरी यहां पर जो नौकरियां है वो सरकार योगी सरकार दे चुकी है। वही योगी सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर तक 1,00,000 युवाओं को यहां पर नौकरियां दी जाए उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके लिए सभी विभागों को यहां पर प्रक्रिया तेज करने के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। जिन विभागों में भर्ती प्रक्रिया कोरोना के कारण रुकी हुई थी वहां पे युद्ध स्तर पर कार्य शुरू करने के लिए यहां पर युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर चयनित युवाओं को नियुक्ति देने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो दक्षिण को भिगोने के बाद आज उत्तर में पहुंचेगा मानसून। पंजाब हरियाणा और यूपी में अलर्ट हुआ है जारी। पूरे देश में मानसून का असर दिख रहा है। वही दक्षिण को भिगोने के बाद अब साउथ वेस्ट मानसून अब उत्तर भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वही भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि आज या कल उत्तर भारत में मानसून पहुंच सकता है। वही दिल्ली में भी वक्त से पहले मानसून की एंट्री हो सकती है। वही मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा पंजाब में आज मानसून के यहाँ पर अपना जलवा दिखा सकता है। वैसे देश के कई राज्यों में यहाँ पर प्री मानसून की बारिश हो रही है। कुल मिलाकर इस वक्त पूरा देश भीगा भीगा सा है। अगर बात तो दिल्ली की करें तो दिल्ली में अगर मानसून अगर आज एंट्री करता है तो साल 2008 के बाद ऐसा होगा जब मानसून के बादल वक्त से पहले दिल्ली में बरसेंगे। वही मानसून की बारिश के कारण लंबे यहां पर बारिश के कारण इस वक्त मुंबई बेहाल है। वही कल भी यहां पर माया नगरी में कई इलाकों में भारी बारिश हुई है जिसके बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया था और लोगों को आने जाने में खासी दिक्कत का यहां पर सामना करना पड़ा था। वही मुंबई में कल पूरी रात भारी बारिश यहाँ पर हुई जिसकी वजह से कई जगहों पर जल जमाव हो गया और लोगों को आने जाने में यहाँ पर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले यहाँ पर 2-3 दिनों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात, कच्छ के कुछ इलाकों में, मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। वही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इससे पहले मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया था उत्तराखंड के जिलों के लिए। वही पूरे कर्नाटक में 17 जून तक भारी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। 17 जून तक 23 जिलों में भी यहां पर ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी हुआ है मौसम विभाग की ओर से। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो हरियाणा में 8वीं तक के छात्रों को किताबें खरीदने के लिए सरकार देगी धनराशि, खाते में भेजेंगे सीधे पैसे। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार हरियाणा सरकार 8वीं तक के स्टूडेंटों को किताबें कॉपियां नहीं देगी बल्कि पुस्तकें खरीदने के लिए धनराशि सीधे छात्रों के यहां पर खाते में पैसे भेज जाएंगे, उनके अकाउंट में यहां पर पैसे भेज जाएंगे। इस संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री कुंवर पाल गुर्जर ने बताया कि 8वीं तक के स्टूडेंटों को पुस्तक खरीदने के लिए यहां पर पुस्तक खरीदने के लिए पैसे सीधे उनके खाते में भेजे जाएंगे। वही गुर्जर ने कहा है कि हमने ये फैसला लिया है कि सीनियर बच्चों की किताबें लेकर जूनियर क्लास के छात्रों को दी जाएगी। इसके साथ ही पहले से 8वीं तक की कक्षा जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर पुस्तकें खरीदने के लिए सीधे उनके खाते में पैसे यहाँ पर भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि हर छात्र के अकाउंट में 200 से 300 रुपए डाले जाने का विचार किया जा रहा है। इसकी यहाँ पर इस योजना के लिए लगभग यहाँ पर 17 लाख बच्चों के लिए अनुमानित 40 करोड़ यहाँ पर बजट यहाँ पर रखा गया है।